उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ पुलिस ने करीब एक माह पहले हुए बड़ी लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से लाखों की नकदी समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। लुटेरों ने राइस मिल मालिक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एसपी शिवहरी मीणा ने लूटकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 12 जनवरी कंधई थाना इलाके के मंगरौरा बाजार निवासी अमरजीत चौरसिया के साथ फिल्म स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। राइस मिल मालिक अमरजीत चौरसिया से लुटेरे 15,90,000 रुपए लूटकर फरार हो गए थे। राइस मिल मालिक की तहरीर पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 6,78,400 रुपए, अवैध पिस्टल और कारतूस समेत बाइक और कार पुलिस ने बरामद की। पिछले महीने की 13 तारीख को एक घटना कार्य हुई थी। लगभग 9 बजे के आसपास दो युवक अपना पैसा लेके जा रहे थे, जिसमें से दो युवकों के द्वारा तमंचा दिखाकर, पिस्टल दिखाकर उनका बैग छीन लिया गया। पुलिस ने तत्काल FIR पंजीकृत की, साथ ही साथ इसमें कई टीमें लगाई गई। तो इन तथ्यों को जब छाना पहचाना गया तो ये तथ्य निकल के आया कि किसी नज़दीकी आदमी ने इसमें रेकी करी है। मुखबिर खास की सूचना के आधार पर आरोपी को जो संदेहास्पद था उसको पकड़ गया। पकड़ने से पूछताछ करी गई, किसने घटना स्वीकार करी, जिसमें दो लोगों के द्वारा घटना कारित करी गई, साथ ही साथ 4 अन्य लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और आज उनके पास से 6,74,000 के आसपास पैसा बरामद हुआ है, पिस्टल बरामद हुई है, घटना में जो बाइक यूज हुई थी वो बरामद हुई है, साथ ही साथ अन्य चीजें भी इस घटनाक्रम में बरामद। बता दें कि राइस मिल संचालक को पुलिस पर भरोसा रखने के लिए एसपी शिवहरी मीणा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। साथ ही लुटेरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है।